बेलतरोड़ी के अंतर्गत आने वाले साकेत नगर स्थित प्लॉट को लेकर बेलतरोड़ी थाने में 400 पीस और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बेलतरोड़ी के थानेदार आको सुरेंद्र पोनी पगार और गगन मुकुट बिहारी चौरसिया आदि की ओर से फिरियादी धनराज फुसे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा आरोप धनराज फुसे ने लगा है। अगस्त 2018 से ब्लैकमेल कर रहा, जिसको मैंने फुकट में मेरा प्लॉट नंबर, मेरे लेआउट का बिजनेस है, प्लॉट का बिजनेस था, तो उसमें मैंने प्लॉट नंबर 82 के बदले में प्लॉट नंबर 73 में दिया, उसके पास पैसे मैंने लिए नहीं। और अभी ये पुलिस से मिलकर ब्लैकमेलिंग करके मेरे ऊपर झूठे गुंडे दायर करके मुझे फंसाने के लिए 15 लाख मिलने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा, और मैंने इसको 15 लाख नहीं दिया, उस कारण मेरे ऊपर में झूठे गुनाह दाखिल किए और 420 का गुनाह मेरे ऊपर दाखिल किया, जो कि मेरा इसमें कुछ भी मेरे ऊपर गुनाह बनता नहीं है। पुलिस को 8 लाख देना है बोलता, बाकी इसको देना है, ऐसा करके इस प्रकार ये मुझे प्रताड़ित कर रहा है। और इस तरह पेपर में ये जो पुलिस होने जो बेलतरोड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी जो कि विजय सुरेंद्र चोर पगार वहाँ का जमदार है, और वहाँ के जो थानेदार है, थानेदार का क्या नाम है, आकोट, विजय आकोट करके थानेदार है, इन लोगों ने इनके साथ में संगन मत करके ये गगन मुकुट बिहारी चौरसिया ये मुझे ब्लैकमेल करके मेरे ऊपर में मुझे प्रताड़ित कर रहा है और झूठे गुन दाखिल करके मुझे फंसा कर जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इसकी कंप्लेंट मैंने माननीय हमारे गृह मंत्री अनिल जी देशमुख साहब को दिया हूँ, मैंने उनसे बात हो गई है, वो आकोश साहब को कंप्लेंट कर दिया हूँ मैंने, लेकिन 3 दिन होने के बावजूद भी पुलिस ने किसी प्रकार की एक्शन नहीं ली। उनको मैंने विनती की कि भाई आपने क्या, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि आपकी बात सही है, पेपर